देश की नई शिक्षा नीति को लेकर नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनकी जन्मभूमि अयोध्या का राम मंदिर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कोविड-19 की वजह से राज्य में बंद पड़े स्कूलों के राज्य सरकार ने गूगल क्लास रूम प्रोजेक्ट रूम किया है, आज उसका उद्घाटन किया गया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के प्रकरण में मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने बिहार पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने सुशांत सिंह की महिला मित्र रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नागपुर स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नागपुर महानगर पालिका की ओर से गुरुवार को इंडिया साइकिल्स फॉर चैलेंज के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागपुर को बाइसिकल कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने का प्रण लिया गया। कुख्यात साहिल सैयद को नंदनवन पुलिस ने आज फर्जी दस्तावेज के मदद से दूसरे की माल की जमीन हड़पने के प्रकरण में गिरफ्तार किया है। यह मामला 10 साल पुराना है। कोविड-19 के संकट के दौर में जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को इतवारी तथा मस्त का साथ और थोक किराना बाजार बंद करने का ऐलान किया गया है। शहर के नागरिकों को सुरक्षित रहने की अपील करने वाले महापौर संदीप जोशी ने खुद को होम क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। वे अगले 7 दिनों तक अपने घर में ही क्वारंटाइन में रहेंगे। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने रोगियों से अधिक शुल्क वसूली व नियमों का उल्लंघन करने के मामले में गुरुवार को नंदनवन के 7 स्टार हॉस्पिटल प्रबंधन को नोटिस जारी किया। कोविड संक्रमितों की संख्या जिले में तेजी से बढ़ने लगी है। गुरुवार को जिले में पहली बार कुल 25 संक्रमितों की मौत दर्ज हुई। वहीं एक साथ जिले में 648 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 500 संक्रमित शहर के हैं, वहीं 148 ग्रामीण क्षेत्र। मनपा के आर्थिक स्रोत संपत्ति कर, पानी पट्टी बाजार और अन्य विभाग की आय और GST के जरिए वित्तीय वर्ष में जमा होने वाला राजस्व आधा ही रहेगा। इसके आसपास यह स्थापना खर्च है। मनपा के हालात इतने खस्ता हो गए कि पुराना बकाया चुकाने के लिए धन नहीं है।